ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, मैं हूँ प्रियंका रॉय और आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। नहाए खाए के साथ ही आस्था के महापर्व छठ पूजा की शुरुआत हो गई है। हर साल की तरह इस बार भी दिल्ली के सब्जी मंडियों में सब्जी और फलों के दामों में 35 से 40% तक की बढ़ोतरी देखने को मिली। यही हाल दिल्ली के आज़ादपुर सब्जी मंडी का भी देखने को मिला। देखें ये रिपोर्ट। मार्केट महंगी है, बाकी छठ की जो आइटम है वो 3-4 दिन तक महंगी रहती है। कम से कम 1.5 गुना भाव बढ़ गए, पहले जो 20 का था वो 30 का हो गया है। हर सब्जी 5 रुपए तो एक्स्ट्रा है, हिंदी आइटम, इंग्लिश आइटम 30-40 रुपए एक्स्ट्रा है, अभी 100 रुपए बिक रहा था। देश भर में छठ पूजा का त्यौहार मनाया जा रहा है, ऐसे में सब्जियों के और फलों के दामों में भी काफी बढ़ोतरी देखी गई है। इस वक्त हम आज़ादपुर मंडी में मौजूद है, यहाँ पर हम चलेंगे, कुछ दुकानदारों से जानने की कोशिश करेंगे कि सब्जियों के दामों में कितना इजाफा हुआ है और कुछ लोगों से भी बात करने की कोशिश करेंगे। डबल का फर्क आ गया, जो 30 रुपए किलो वाली सब्जी थी 50-60 रुपए किलो हो गई है। कौन कौन सी सब्जी के दाम बढ़े हैं? जो खरीदारी करे उन्हीं के दाम बढ़े हैं, जो उनको जरूरत है, आलू प्याज टमाटर के सब चीज़ों के दाम बढ़े हैं, अदरक के, गाजर के, गाजर बिक रही है 60-70 रुपए किलो। पहले कितनी? पहले तो बिक रही थी ऑरेंज वाली 50 के आसपास, 40-50, अब 70-80 रुपए किलो तो गाजर बिक रही है मंडी में। इसका कारण क्या होता है कि मतलब छठ पूजा के आसपास दाम बढ़े? पूजा के आसपास क्या है कि आवक होती है कम और डिमांड ज़्यादा आ जाती है, मंडी में बढ़ जाती है, ग्राहक ज़्यादा है, इसलिए बाजार में तेजी है। जब त्यौहार के पास फलों के दाम जैसे बढ़ जाते हैं तो इसका कारण त्यौहार का नज़दीक आना या फिर सप्लाई का कम होना? ये तो त्यौहारों का नज़दीक आना जी, जो अभी छोटा सा गया ना माल सप्लाई तो बहुत आ रहा, बढ़िया सप्लाई आ रही है, सप्लाई में कोई कमी नहीं है। तो ये है अभी स्टार्ट हुआ आज से, तो अब रेट बढ़ जाएंगे। कल आपको जैसे ये मिल रहा है ना 40 रुपये, कल आपको 60 रुपये मिलेगा, ये आज से स्टार्ट हो जाएगा। सरकंदी पिछली बार हमने 80 की बेची थी, अभी 40 के भाव जा रही है। कितने परसेंट की बढ़ोतरी होती है त्यौहार के आने पर? यही कोई 10% तो मैम बढ़ जाती है, 12 रुपये ऐसे तो बढ़ जाता है। अभी 30 का गन्ना एक जा रहा, पिछली बार हमने 20 के बेचे थे, ये अब महंगा गन्ना महंगा हो गया। मतलब वैरायटी किसी में कम है किसी में ताज़ा, लेकिन अब बढ़ जाएगी, आज से 3 बजे का स्टार्ट हो गया ना तो अब बढ़ जाएगी इसकी वैरायटी। सब्जियों के दामों में कुछ इजाफा हुआ है? भारी, बहुत भारी इजाफा है। कितना इजाफा? एक हफ्ते पहले सब्जी, हाँ एक हफ्ते पहले जो सब्जी 30 रुपए किलो थी वो 60 रुपए किलो है। कौन कौन सी सब्जियों के दाम बढ़े हैं? टमाटर के, प्याज के, आलू के, सब चीज़ों के दाम बढ़े हुए हैं मंडी में। पालक के, पालक भी 20 रुपए किलो बिक रहा था, अब 30 रुपए किलो बिक रहा है। हमारी आइटम तो बंद गोभी है, पहले 40 रुपए किलो थी, आज 50 रुपए किलो है, माल कम आ रहा है इस वजह से, छठ पूजा से लेबर कम है उनके पास, माल कम है इस वजह से रेट बढ़ा हुआ है। हम अक्सर ऐसे देखते हैं कि छठ पूजा के नज़दीक जब आती है तो सब्जियों के दाम बढ़ जाते हैं, उसका कारण क्या होता है? कारण ये फसल ये नई आ रही है, पुरानी अब खत्म हो गई, अब दिवाली के बाद नई फसलें आ जाती हैं, ये हापुड़ नहीं है। अब रेट जैसे जैसे माल आएगा रेट घट जाएगा, अब इस टाइम तो महंगा है सब्जी, तो ये दिवाली की वजह से सब्जी कम आई है, महंगी तो हो गई सब्जी, हरी सब्जी है महंगी चल रही सारी, मार्केट महंगी है, बाकी छठ की जो आइटम है वो 3-4 दिन तक महंगी रहती हैं, उसके बाद ऑटोमेटिक चली जाती हैं वो छठ की जो चीज़ें होती हैं, बाकी हरी सब्जी महंगी है। कितना फर्क आया है उनके दामों? फर्क तो थोड़ा बहुत है ही, तो बाहर से माल भी मंडी में माल कम आ रही है इस वक्त, ये छठ की वजह भीड़ भाड़ भी है, माल कम आ रही है इस वक्त, तो ये थोड़ा महंगाई है। खरीदारी करते तो दाम तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, खरीदार ज़्यादा होंगे तो माल तो बढ़ेगा ही दाम। तो अपने सब्जियाँ बताई हैं उनकी एक हफ्ते पहले क्या क्या दाम थे और अब क्या? हम तो 1.5 गुना भाव बढ़ गए, पहले जो 20 का था वो 30 का हो गया है, इतना फर्क हो गया। आज़ादपुर मंडी में यहाँ पर हमने कुछ दुकानदारों से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने बताया कि सब्जियों और फलों के दामों में इजाफा हुआ है, जिसका कारण उन्होंने पीछे से सप्लाई का कम होना बताया है। तो वहीं यहाँ पर हमने कुछ लोगों से भी बात की तो उन्होंने बताया कि महंगाई ने उनकी जेब पर भी काफ़ी असर डाला है। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए दिल्ली दर्पण टीवी।
लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.dailydarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर